बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल वार्स क्लेमिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे क्लेमिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, हो सकता है आपके पास भी आया हो। अगर आपके पास क्लेमिंग का ऑप्शन नहीं आया है तो आपने यहाँ पर करना है वेट। जैसे आपके पास क्लेम का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप अपने टोकन क्लेम कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताता हूँ कि कौन सा वालेट आपने दोबारा से कनेक्ट करना है और कौन सा जो है वालेट आपने हटाना है ताकि आपका लॉस ना हो। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम क्लेम पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है क्लेम इन 6 डेज 9 आवर्स एंड 25 मिनट और आगे इसके सेकंड्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक दो काम ज़रूर करना है ताकि आपका लॉस ना हो। कौन सा करना है? यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यहाँ पे अपना करना है ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट हम मैंने कनेक्ट किया था इसके साथ, ठीक है, वॉलेट का एड्रेस भी दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर जो है मैंने अपना वॉलेट हटा दिया। क्यों हटाया? इसका एक ही रीज़न है, इनका जो पिक्सल का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैं अगर डैशबोर्ड पर चलता हूँ तो डैशबोर्ड पर मतलब इनका यहाँ पे नहीं आ रहा था हमारे पास, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जैसे हम यहाँ पे देखें अपना ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करते थे तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आता था, मतलब आगे कोई भी फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं आता था, बिल्कुल एक ही जगह पे रुका हुआ होता था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। रिफ्रेश मैंने यहाँ पर किया, रिफ्रेश के बाद यहाँ पर देखें आप यहाँ पे टोन वॉलेट भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। उसके लिए यहाँ पे आपको देखें ये वाला जो नेम है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टोकन भी शो हो जाएंगे, 1.1 पिक्स जो पॉइंट्स हैं ये हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें टोन आ रहे हैं और उसके बाद वॉलेट आ रहा है। ऊपर मैं वॉलेट वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास वॉलेट कनेक्ट आ रहा है जो कि ट्रस्ट वॉलेट है। यहाँ पे मैं वॉलेट कनेक्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ये रुका ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता, तो इसलिए वहाँ से आपने उसको डिसकनेक्ट कर देना है, हटा देना है। फिर आपने यहाँ पर मेटा मास्क यूज़ करना है, ठीक है। मेटामास्क के जितने भी टोकन होते हैं, चाहे USDT, ERC20 हो, इथेरियम, मतलब एक ही एड्रेस होता है सब टोकन्स का, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। इसके लिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके लिए आपको यहाँ पे इथेरियम पे आ जाना है और मैंने यहाँ पे अपने इथेरियम भी जो है डिपॉजिट कर दिए तकरीबन $3 के लगभग, ताकि मैं अपना जो विड्रावल ईजिली रिसीव कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मेरे पास तकरीबन 3.2 यहाँ पे देखें डॉलर के इथेरियम है और यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो गलत ना हो, ये ना हो, फलाना हो, उसके लिए आप यहाँ पे इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऊपर USDT, ठीक है। USDT आपने सर्च किया, यहाँ पर थीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है थीटर पर और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थीटर USDT भी आ जाएगा। अगर आप इथीटर का और यहाँ पे अगर इथेरियम का एड्रेस कॉपी करेंगे तो बिल्कुल सेम ही होंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला एड्रेस ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला एड्रेस मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अपने जाऊँगा पिक्सल वार्स के एयरड्रॉप में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं पहले इधर ऐड करूँगा पिक्सल वर्क की जो बोट है यहाँ पे ऐड करूँगा, उसके बाद जो है मैं बाद में वहाँ पे ऐड करूँगा। इसके लिए यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है मेडिट पे। जैसे यहाँ पर आप मेडिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद ईजिली जो है आपका यहाँ पर जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि मैंने एक दफ़ा मैंने किया तो मेरा यहाँ पे इनवैलिड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें दूसरी बार मैंने किया तो मेरा यहाँ पे योर वॉलेट इज़ कनेक्टेड और यहाँ पे मैं गोचा पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अगर आप जो भी यहाँ पे वॉलेट आपने अटैच किए हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी आप डिलीट करना चाहें तो आपने वॉलेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है तो आपका वॉलेट डिलीट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें जैसे हमने पहले ट्रस्ट वॉलेट किया था, अगर आप डिलीट करेंगे जैसे मतलब आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं बैक करके आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ ताकि आपकी सारी जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप वॉलेट आएंगे, वॉलेट के बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन देखें ऑलरेडी यहाँ पे सैड इसकी ऐसे स्ट्रोक दिखेगी, तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना है डिलीट पे क्लिक तो आपका जो कनेक्ट वॉलेट होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके आपने मेटा मास्क यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद हम जाएंगे वेबसाइट पर, ठीक है। हम वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे करेंगे मेटा मास्क पे क्लिक। ये वाला मेटा मास्क है, आपको यहाँ पे मेटा मास्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं मेटा मास्क पे क्लिक करता हूँ, मेटा मास्क पे क्लिक जैसे करूँगा यहाँ पे देखिए क्रोम एंड मेटा मास्क, तो यहाँ पे मैं मेटा मास्क करूँगा और यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगा दूँगा। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे एक साइन इन मांगेगा यहाँ से मेरे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ।
जैसे आप मेटामास पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो टू रजिस्ट्रेशन। आपने जिस जीमेल पे अपना जो है पिक्सल वार्स का डैशबोर्ड वाला अकाउंट बनाया था वो आपने यहाँ पे जीमेल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है टिक मार्क इस वाली जगह पे, ठीक है, इस वाली जगह पे आपको टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पे साइन इन करना है और आपकी जीमेल पे एक कोड जाएगा, आपने वो कोड पुट करना है तो फिर आगे का प्रोसेस आपको सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखते हैं ऊपर प्रोफाइल, ये वाला ऑप्शन आपको दिखता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक दफ़ा आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टोन आ रहा है और कनेक्ट वॉलेट भी आ रहा है। ऊपर हमने यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेटामास्क आ रहा है ऊपर तो आप तो यहाँ पे मेटामास्क कर देना है। जैसे मेटामास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए आप साइन इन मांगेगा तो यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट है इजीली यहाँ पे कनेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा वॉलेट, नीचे देखें ये 100% सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो आपने वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने दोबारा चले जाना है पिक्सल के एयर ड्रॉप में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एयर ड्रॉप पे और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लेम का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लेम योर रिवार्ड बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी इनसाइड पिक्सल टैप टू वेयर यूजर एंड अर्ली एडाप्टर एंड रिसीविंग स्पेशल रिवार्ड यू विल गेट 0 पिक्स यहाँ पे हमारे पास शो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अर्ली एडाप्टर और यहाँ पे मतलब ये सारा कुछ शो करवा रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे टाइम दिया गया है तकरीबन 153 घंटे बाद यहाँ पे हम आएंगे और हमें यहाँ पे जो है अपना विड्रावल रिसीव करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए यू विल गेट यहाँ पे देखिए 00 शो करवा रहा है कि आपने फिलहाल 00 आप एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा करते हैं अनकॉमन, यहाँ पे देखिए NFT, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जैसे करते हैं दोबारा मतलब ये आ जाता है हमारे पास टाइम शुरू हो जाता है कि 153 घंटे का टाइम है हमारे पास मतलब क्लेमिंग के लिए। ये बीच में से हमें एक टाइम प्रोवाइड करेंगे 153 घंटे के बीच बीच में या फिर 25 डेट को कन्फर्म ये हमें जो है अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने टोकन क्लेम कर लें। तब तक आपने क्या करना है, तब तक आपने यहाँ पे क्लेम वगैरह पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने रिवार्ड पे यहाँ पे कम्बो वगैरह भी लगाते रहना है, अपने यहाँ पे स्पिन वगैरह भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनी गेम्स को यहाँ पे प्ले करना है, ठीक है। आपने अपनी गेम्स को प्ले करना है, आप जितनी ज़्यादा यहाँ पे गेम्स प्ले करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, अच्छा होगा, आपको हाई रिवार्ड मिलेगा क्योंकि इन्होंने गेम पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और बोला है कि जिन बंदों ने यहाँ पे गेम प्ले की होगी उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा। गेम खेलने का तरीका बिल्कुल ईजी है, आप मतलब फाइट पे क्लिक करेंगे, रैंडम पे क्लिक करेंगे और रैंडम टैप 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 करके अपने यहाँ पे अपने गेम्स विन करनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके टोकन क्लेम होंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कोई भी मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखता, सिर्फ क्लेम पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें तो क्लेम इन यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने टाइम में आप क्लेम कर पाएंगे और यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 0 टोकन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोकन शो होंगे फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा और हम इजीली जो है अपने टोकन यहाँ से क्लेम कर पाएंगे अपने मेटामास्क में। आप मेटामास्क का यूज़ करें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर अलग-अलग करेंगे फिर भी शो होगा। मैंने OKX वॉलेट पर भी ट्राई करके देखा है लेकिन OKX वॉलेट का जो वॉलेट है वो इनवैलिड करके आ रहा था। अगर आपको यहाँ पर इनवैलिड का इशू आता है तो कोई भी इशू नहीं, आप अपना मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट करें, अभी आपके पास 6 दिन बाकी हैं, आप इजीली आराम से अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।